हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक DIY फेशियल हेयर रिमूवल का तरीका। तो ये बहुत ही इजी है और आपको घर में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आजकल तो आपको पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है, सारे पार्लर्स बंद हैं, तो ये बिल्कुल ही घर पर बना हुआ है। तो इसके अंदर कोई भी हमने हार्श केमिकल्स इंक्लूड नहीं किए हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए खाली बाउल, 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे बेसन का। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर डालें 1 चम्मच कच्चे दूध का, तो आप कच्चा दूध ही डालें, बॉइल्ड मिल्क नहीं डालें। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल भी पतला नहीं रखना है, ऐसी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। तो ये जो मिक्सर हमने बनाया है, ना केवल आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने का काम करेगा, साथ ही साथ आपके कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करेगा। तो ये जो है, इसका डिज़ायर रिजल्ट पाने के लिए आपको इसको यूज़ करना होगा हफ्ते में 3 बार। तो चलिए चलते हैं अब इसके डेमो की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर अभी कोई भी फाउंडेशन नहीं है। अब मैं लूँगी इस मिक्सचर को और इस मिक्सचर को अपने अपर लिप्स एरिया पर, जहाँ भी मुझे अपने हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पर मैं लगा लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा साइड पे लगाया है अपनी चीक्स के और अपर लिप्स पे लगाया है, क्योंकि मेरे फेस के ऊपर इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है। तो आपके फेस पर जहाँ भी हेयर ग्रोथ हो, आप वहाँ पे इसको लगा लीजिए और ये पतली सी लेयर ही इसको लगाइए। बहुत मोटी लगाओगे तो सूखने में टाइम लगेगा। तो मैंने अप्लाई कर लिया है इसको। अप्लाई करने के बाद मैं वेट करूँगी इसके सूखने का। तो मैं अच्छे से फैला रही हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं अब लग चुका है। अब मैं वेट करूँगी 5 मिनट इसके सूखने का। और अब आप देख सकते हैं सूख गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। सूखने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आपने रिमूव करना है। इसको आपने पानी से नहीं धोना है, एक हैंकी लेना है और एक फिंगर की टिप बना लेनी है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हम कोई चीज़ मसल मसल कर उतारते हैं वैसे रब करते हुए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं देना, वैसे मसल मसल कर ऑपोजिट डायरेक्शन में जहाँ पर आपके हेयर्स हों वहाँ पर आपको उतारना है। ऐसे ही हम उतार लेंगे साइड्स का भी। ये थोड़ा सा मैसी होता है, तो नीचे आप कुछ रख लीजिए, मैंने अपना हैंड रख लिया है। और जब ये आपका दोनों साइड से जहाँ जहाँ मतलब आपने लगाया उतर जाए, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस को वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं फेस को वॉश करके आ चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ टॉवल से पैड ड्राई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इससे पहले प्रोफेशनली फेशियल हेयर्स को कैसे रिमूव करते हैं उस पर भी वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बाद में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। बाय।